नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे हरितालिका तीज की व्रत कथा। तो आप सबसे पहले पूरे विधि विधान के साथ अपना पूजा संपन्न करें, उसके बाद ही कथा का श्रवण करें। कथा शुरू करने से पहले आप अपने मन में भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्मरण करें। मंदार की माला से जिनका केशपाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिनकी जटा अलंकृत है, जो दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करती हूँ। अब कथा शुरू करते हैं। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि, मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामदेव और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ बहुत साधु संत भी निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वैदुर्यमणि आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम यानी कि बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंगी रही और केवल धुआं पीकर अपना जीवन व्यतीत करती रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रहती। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ, नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर पर्वतराज ने अर्घ्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं, मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं,
तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतने दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चलें जहां पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह सुनकर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई, किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुग तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा, जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखती। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलककर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिवजी के हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा, तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया, इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो ये थी हरतालिका तीज की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। हर हर महादेव।